तो नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आज आप लोगों के लिए फिर से न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। आज मेरा वीडियो है बटन मशरूम के बारे में, जो आप लोग डेली के 7 से 8 हज़ार अर्निंग कर सकते हैं मशरूम खेती करके। तो किसान भाइयों, आप लिए खास वीडियो है, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग ये ठंडी के समय में बटन मशरूम उपजा सकते हैं, और गर्मी के समय भी, तो आपका गर्मी के समय में रूम टेम्परेचर या 15 डिग्री या फुल एसी रहना चाहिए मशरूम का खेती में। तो इसी कारण से हम सोचे कि आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं मशरूम खेती, आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो हुआ था कि एक मेरा सब्सक्राइबर था, वो बोला था कि भाई जो है ना, आप यहाँ पे आके और मशरूम पे वीडियो बनाइए, कि जो ढेर सारा जो किसान है जो ये सब खेती बारे में नहीं जानते हैं, वो भी करने लगे मशरूम पे खेती। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलते हैं फॉर्म आप लोगों को दिखाते हैं मशरूम का क्या है। मशरूम का खाद अभी बन रहा है, आ गया ये, देख सकते हैं मशरूम का जो है खाद बन रहा है। खाद बन, कितना दिन में तैयार हो जाएगा? 1 महीना लगेगा इसके तैयार होने में। 1 महीना? हाँ। और ये यहाँ 3 दिन पे इसका पलटाई होता है, एक पलटाई छोड़कर दूसरा पलटाई, तीसरा पलटाई, 8 पलटाई होता है इसका। और इसके बाद, और इसमें क्या होगा? इसमें बीज डालेंगे और यहाँ से ले जाएंगे वहाँ घर में एसी में रखेंगे। इसका टेम्परेचर लगभग 15 से 16 डिग्री होना चाहिए, 18 जब भी गया तो खाद खराब हो जाएगा। अच्छा, मतलब यहाँ पे देखें, हम जैसे आए हैं यहाँ पे, जैसे चप्पल पिन के यहाँ पे नहीं आ सकते, कारण इसमें फंगस लग जाता है, कोई भी बीमारी लग जाता है, चप्पल पहन के नहीं आ सकते हैं, वैसे कपड़ा गंदा पहन के नहीं आ सकते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा प्रक्रिया है कि करना पड़ता है। क्या और इधर क्या है? ये खाद अभी पानी में डाले हैं, 2 दिन रहेगा इसमें पानी में, उसके बाद पानी निकाल देंगे इसको, फिर से जमा करेंगे। इसमें बीज चोकर ढेर सारा सामान मिलाया जाता है, 8 प्रकार का खाद इसमें मिलाया जाएगा। अच्छा, कोई भी किसान भाई जो मतलब पहले उपजाना चाहता होगा तो ट्रेनिंग ले सकता है यहाँ पे? ट्रेनिंग ले सकता है यहाँ पे, फ्री में ट्रेनिंग ले सकता। तो चलिए आप लोग उस जगह पे ले चलते हैं जहाँ पे इसका मतलब, वहाँ पे जो मेन जगह है मशरूम जहाँ पे उपजाया जाता, उस जगह लेके चलते हैं आप लोगों को दिखाते हैं। मेन जगह आ चुके हैं जहाँ पे मशरूम, जहाँ पे मशरूम उत्पादन किया जाता है, जहाँ पे मशरूम का खेती होता है, हम उस जगह पे आ चुके हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ठंडा है, मतलब 15 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? ये मशरूम खराब हो गया, रिजेक्ट हो गया। मतलब कैसे रिजेक्ट हो गया, कारण? इसमें चप्पल जूता के कारण या कोई गंदगी के कारण, गंदगी के कारण या एसी खराब हो गया था, इस समय एसी नहीं चल रहा था। मतलब ये भी प्रॉब्लम आता है सर, टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो। तो आप लोगों को जो मेन जगह है, अभी इधर आगे आइए, बोल रहे हैं कि कितना दिन में ये मशरूम तैयार होगा? ये लगभग लगभग 15 दिन यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद केसिंग करेंगे, 15 दिन के बाद 1 महीना में निकल जाएगा। मतलब अच्छा, एक चीज़ बात, एक दिन पर तोड़ेंगे 5 से 7 केजी, एक पैकेट से आधा किलो। मतलब 5 से कितना मतलब किलो हो जाएगा पर डे का? पर डे का हो जाएगा ना, जैसे ये एक टनल में निकल जाएगा 1 क्विंटल पर डे का, पर डे का 1 क्विंटल। अब हम बता रहे हैं कि जो है यहाँ पे लेने के लिए आता है कि आप मार्केट सेल करते हैं? मार्केट सेल करते हैं और लेने के लिए भी आता है यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ बताना पूछना चाहते हैं आपसे, कि ये जो है मुश्किल भी है कि किसान, नॉर्मल किसान भी कर सकता है? नॉर्मल किसान कर सकता है, लेकिन उसके लिए अभी चाहिए, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उसको। अच्छा, सीजन इसका कितना, मतलब कौन कौन ऐसा सीजन हो कि उपजा? ठंडा में ज़्यादा उपजा होगा, और गर्मी में एसी नहीं लगाइएगा तो कुछ ना कुछ खराब हो गए, जैसे वहाँ पे अभी प्रॉब्लम हुआ। जैसे वहाँ पे अभी देख लीजिए यहाँ पे जैसे प्रॉब्लम हुआ, वही है ना। मतलब इसमें क्या हुआ था कि टेम्परेचर नहीं मिला, टेम्परेचर मेंटेनेंस, मतलब मेंटेनेंस नहीं हुआ, इसी कारण से खराब हो गया। और मेंटेनेंस होता तो खराब नहीं होता। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो है ये जो है अभी फिलहाल इसका सब कुछ मटेरियल पहुंच, इसमें डाल दिया पूरा, टोटली मटेरियल चल गया इसमें? नहीं डाले हैं, यहाँ देखिए इसमें डाले, सिर्फ इसमें यही है, इसमें निकलेगा उजरा, देख लीजिए फंगस निकल रहा है। हाँ, इसमें ही निकलेगा, इसमें कुछ नहीं अभी तक, अभी करेंगे इसको 10 दिन तो नहीं। इसमें तो थोड़ा देख रहे हैं कि घास है, इसमें नॉर्मल माटी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, बीज है ये, इसमें माटी डालेंगे तो ये बीज ढक जाएगा। अभी देख रहे हैं ना, निकल रहा है ना उजला, उजला, मतलब बीज काम कर जाएगा, बीज काम कर जाएगा। ये है बीज का पहले यहाँ पे, ये है, मतलब ये भी सेम रखना पड़ता, मतलब नॉर्मल पूरा, इसको नॉर्मल नहीं चाहिए, नॉर्मल पूरा ऐसे ही चाहिए। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों,
तो आप लोग ठंडी के सीजन में है ना ये लगा सकते हैं क्या मशरूम? और ये कौन सा मशरूम, इसका नाम क्या होता है? बटन मशरूम। और मशरूम का नाम है बटन मशरूम। अच्छा, कितना कितना मतलब इसका कितना कितना वैरायटी है मशरूम का? तीन चार वैरायटी है, बटन मशरूम, ऑयस्टर मशरूम, मिल्की व्हाइट, तीन कलर का हम उपजाते हैं अभी फिलहाल में। एक कलर का उपजाते हैं, दो कलर 10 दिन में उपजाएंगे, अभी तीन कलर का उपजाते हैं। और तीन कलर का और उपजाते हैं अभी, और जो होगा वो बाद में उपजाएंगे, पहले इसको देखते हैं सक्सेस हो जाएगा तब दूसरे बार उपजाएंगे। अच्छा, कितना मतलब कितना साल हो चुका है यहाँ पे खेती कर रहे हैं? हो गया 3 साल। पापा मतलब यहाँ पे नहीं, आप प्रॉपर कहाँ से स्टार्टिंग किए थे? कितना पूर्णिया से स्टार्टिंग किए, यहाँ कठी गांव में कर रहे हैं। कठी गांव में कर रहे हैं, तो मेहनत लगता है मगर जो है इसका मूल प्राइज मिल जाता है। मेहनत है तो इसमें फायदा भी है, उतना ज्यादा अभी इनकम भी है इसमें, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। घाटा भी लगता है तो फायदा भी होता है। होता है मतलब पापा करते थे, आप धर लिए काम? भैया करते थे, अभी हम लोग मतलब पूरा ट्रेनिंग आपका, मतलब आप किसी को सिखा सकते हैं? तो जगह का नाम, प्रॉपर जगह का एक बार नाम बता दीजिए। कठी गांव छतापुर सुपौल। और कठीर गढ़ छतापुर सुपौल, मोबाइल नंबर भी होगा? मोबाइल नंबर। अच्छा, ये क्या हुआ इसमें? इसमें खराब हो गया, ये देखिए, ये फट गया पैकेट, ये खराब हो गया, इसको दूसरा पैकेट में डालेंगे तो ये देखिए सूख गया ना। हाँ, सूखना नहीं चाहिए, मतलब गीला ही रहना चाहिए। गीला है, गीला है, देखिए इधर दिखाइए, गीला है। अच्छा, एक चीज बताना चाहते, इसमें कौन सा ऐसा मटेरियल देते हैं? इसमें हम पहले भूसा को ले जाते हैं वहाँ पे। हाँ। उसके बाद पानी में डुबाते हैं। हाँ। 2 दिन और 4 दिन भूसा को पानी में रखते हैं। उसके बाद तो भूसा कोई से भी भूसा हो सकता है कि नहीं? प्रॉपर भी भूसा हो सकता है, लेकिन फ्रेश भूसा होना, जैसे गेहूँ का फ्रेश भूसा होता है, उसमें मिट्टी और कुछ का भी अंश नहीं होना चाहिए। उसे पत्थर से भी उपजा सकते हैं, बांस का पत्ता, ये कुछ भी से उपजा सकते हैं, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। तो बस भूसा दे के हो जाएगा क्या उसमें? क्या क्या देंगे उसमें? खाद देंगे, मतलब मुर्गा का बीट देते हैं, और भी यूरिया देते हैं, जिप्सम देते हैं, जिपमेट देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस देते हैं। अच्छा, एक बार पैकेट उपजाने के बाद तो इसको पैकेट को क्या करते हैं? उसको निकाल देते हैं बाहर, 35 रुपया केजी के दर से बिकेगा या अपना खेत में डालते हैं। मतलब ये भी बिक जाता है? 35 रुपया किलो के दर से बिकेगा या अपना खेत में डालेंगे। तो खाद मतलब प्रॉपर ये खाद हो गया? हाँ, ये खाद हो गया। कौनसम तो, जैसे कौनसम का भी डीएपी बिक रहा है, यही है कौनसम का डीएपी, और कुछ भी नहीं है, बस यही है। तो चलिए आप लोग दोस्तों, आप लोगों को दिखा दिए हैं कि पूरा मतलब बहुत दूर तक तो इसका फॉर्म लगा हुआ। और अच्छा, एक चीज बताइए, लोहा का भी मतलब जो दिए हैं तो कारण इसका? लोहा का ये नीचे में डालते तो उतना ज्यादा अटता नहीं, उतना इनकम नहीं होता, ऐसी चलाते अभी। फायदा होगा तब ना, हम ये लगाए हुए हैं फायदा के लिए लगाए हुए हैं। और फायदा के लिए मतलब इस पे चढ़ा के डाल के रखते थे तो फंगस लग जाता था, वैसे बोले कोई आता था। अच्छा, रूम तो पूरा पैक होगा? रूम पैक है, अभी भी देख लीजिए, अभी घुसने के लिए भी कहीं नहीं देते हैं, वैसे आप क्या। अच्छा, कोई बात नहीं है, तो देख सकते हैं दोस्तों। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, देख सकते हैं पूरा।